जब आप इस तरीके से बायस शो दिखाएंगे, मेन मुद्दों को हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकायदा छोटी छोटी चीज़ों को आप सबके सामने इतने बड़े वीकेंड के वार पे लाएंगे, प्लस जो मुद्दे उठाने चाहिए वीकेंड के वार पे उन पर बात नहीं करेंगे, जनता भड़केगी, जनता बोलेगी, जनता तो बोलेगी क्योंकि जनता को जो दिखता है वही तो भाई मेकर्स को भी मानना चाहिए। अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है, शो के मेकर्स पर भड़क पड़ी है जनता, सलमान भाई पे भड़क पड़ी है जनता। सुनिए बात ध्यान से। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। भड़क गई है जनता, ये तो होना ही था, मैंने अपने रिव्यू में भी यही बात बोली थी। मतलब कि आपका शो ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड शो है ये। जी हाँ, इस वक्त इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में स्क्रिप्टेड एक हैशटैग चल रहा है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे 10,000 लोगों ने इस पर सपोर्ट किया है और प्लस बोली हैं बातें। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि सलमान खान साहब को लेकर लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, उमर रियाज को लेकर तरह तरीके की बातें आ रही है कि क्यों उमर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों उमर को जो धक्का मारा है वो नहीं हो रहा है, और बिग बॉस की अवहेलना हो रही है सोशल मीडिया पे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये हैशटैग सोशल मीडिया पे चालू है, लोग इसमें तरह तरीके के और वीडियोस को भी अटैच कर रहे हैं और बिग बॉस को स्क्रिप्टेड कह रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं दे शुड प्ले इंडिविजुअली व्हेन दे कांट ट्रेंड देम इंडिविजुअली लॉल, एंड साथ में स्क्रिप्टेड भी ट्रेंड कर रहा है। ओ माय गॉड, उमर रियाज, ठीक है, बिग बॉस 15 बिलोंग्स टू उमर रियाज, गेम डिकोडर तेजस्वी। तो दोस्तों ये कुछ हैशटैग हैं जो कि ट्रेंड हो रहे हैं, आपको क्या है कहना। तेजरन को लोग स्क्रिप्टेड कह रहे हैं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।